हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें एपी सीरीज गिवन होंगी और हमें उनके सम फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एपी सीरीज है, उनका हमें सम फाइंड करना है। फर्स्ट एपी सीरीज है 7 + 10 10.5 + 14 + 16। लास्ट टर्म जो है वो हमें 84 गिवन है। तो हमें इन सभी टर्म्स का जो है वो सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास Sn = n/2 × a + l, जहां पे a फर्स्ट टर्म है और l जो है लास्ट टर्म है। हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। a चाहिए, a है हमारे पास फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म है हमारे पास। और क्या चाहिए, एन चाहिए। एन नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता कि 84 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है। 84 का नंबर नहीं पता हमें कि 84 कौन से नंबर की टर्म है। इसलिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम एन को फाइंड आउट करें, फिर हम उसका सम भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। हमें ए क्या गिवन है, a = हमें 7 गिवन है। an जो है मीन्स की लास्ट टर्म हमें गिवन है 84। पहले d निकाल लेते हैं। d कितना होगा, d होगा हमारा a2 - a1। a2 कितना है हमारा, a2 है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21/2। इसमें से माइनस करना है हमें 7। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 LCM आ जाएगा नीचे। ये हो गया 21 - 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। 21 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 7/2 = d। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2। अब हम an पे फॉर्मूला लगा देते हैं हमारा। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an हमें कितनी गिवन है 84। और an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = वो हमें कितनी गिवन है 84। ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है हमें पता है 7 + n की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू हमें पता है 7/2 = 84। अब ये वाला 7 यहाँ पे प्लस हो रहा था, दिस साइड आके ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा n - 1 × 7/2 = 84 - 7। ये हो जाएगा n - 1 × 7/2 = 84। में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। 84 में से 7 माइनस किए, 4 उधर से गए, 3 इधर से गए, 77 आएगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। n - 1 = 77 × 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। ये हो गया 7 को 77 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो आ गया n - 1 = 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 22। ये यहाँ माइनस का 1 है तो उधर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा। 22 में 1 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। अब इस वैल्यू को, n की वैल्यू को हम Sn में पुट करेंगे। Sn का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अब सम फाइंड करेंगे। Sn = n/2 × a + l। एस एन कितना है हमारा, एन है हमारा 23। एन की वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे 23/2 × a की वैल्यू कितनी है 7। लास्ट टर्म कितनी है 84। ये हो गया हमारे पास 23/2 × 84। में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 91। 91 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 91 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3
9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 2 वन जा 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये हो गया 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10, ये हो गया 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1046.5। तो ये हमारा सम आ गया 23 टर्म्स का, ये हमारा होगा आंसर। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन था, हमें एक सीरीज गिवन थी, सीरीज में हमने क्या किया, सबसे पहले n निकाला क्योंकि हमें n की रिक्वायरमेंट थी, हमें n चाहिए था फॉर्मूला के अंदर, तो हमने n निकाल लिया। जब हमारा n आ गया तो उसको हमने फॉर्मूला में पुट किया और हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, एपी सीरीज गिवन है हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस फोन, लास्ट टर्म हमें एन गिवन है, सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमें एंथ टर्म गिवन है। हमें सबसे पहले एन फाइंड करना होगा कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो करते हैं। पर सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ए हमें दिया हुआ है 34, डी निकाल लेते हैं, डी क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है, ए टू है हमारे पास 32 और ए वन कितना है हमारे पास 34, प्लस माइनस माइनस 34 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो माइनस की है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2, ये हो गया हमारा डी। अब हम ए एन टर्म निकाल लेते हैं, ए एन एंथ टर्म हमें कितनी गिवन है, वो हमें 10 गिवन है। ए एन पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें गिवन कितनी है, ये हमें 10 गिवन है। लास्ट वाली टर्म हमें पता ही है कि वो 10 है, बट लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन से नंबर की टर्म है, तो इसलिए हम उसको एन मान रहे हैं कि वो एंथ नंबर की टर्म होगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू माइनस 2 है इज इक्वल टू 10। ये 34 यहां प्लस हो रहा है तो दिस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। 34 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, माइनस का क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है, इधर हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब ये हो गया हमारे पास एन माइनस वन इज इक्वल टू 12, ये यहाँ माइनस वन है तो उधर जाके ये प्लस वन हो जाएगा, 12 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13। अब हमें बस एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, एन की वैल्यू 13, यहाँ पे भी एन की वैल्यू 13 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 34, एन की वैल्यू कितनी है 10, ये हो गया हमारे पास 13 बाय 2 इंटू 34 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44, ये हो गया हमारा 44, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22, 13 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 682, 286 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। एस 13 मीन्स की सम जो है पहली 13 टर्म्स का हमारे पास आ गया 286। तो हमें बस सिंपल पहले एन की वैल्यू निकाली, फिर एन की वैल्यू हमने एस एन वाले फॉर्मूला में पुट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री में हमारे पास जो सीरीज है वो है माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस 4 ऑन, लास्ट टर्म हमें गिवन है माइनस 230। सेम क्वेश्चन है, पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे फिर उसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके
खुद से निकालो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो शुरू करते हैं कैसे करेंगे ये हम। पहले ए हम लिख लेंगे, ए की वैल्यू में माइनस फाइव की बना। अब डी निकाल लो, डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू कितनी है, ए टू की वैल्यू है हमारे पास माइनस का एट माइनस का साइन। ए वन की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव। ये हो गया माइनस एट माइनस माइनस प्लस एट में फाइव एड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो माइनस की है। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस थ्री। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस थ्री। अब हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और हम एंथ टर्म निकाल लेंगे। एंथ टर्म हमें गिवन है, नंबर ऑफ एन निकाल लेंगे कि वो कौन सी टर्म है। तो ए एन हमें कितनी गिवन है, ए एन हमें गिवन है माइनस टू थर्टी। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। और ये हमें गिवन कितनी है, माइनस टू थर्टी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस का फाइव। ए की वैल्यू माइनस का फाइव प्लस एन की वैल्यू गिवन नहीं है, डी हमने निकाला माइनस का थ्री। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी। अब ये माइनस फाइव यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री माइनस टू थर्टी प्लस फाइव। ये हो गया हमारा एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस टू थर्टी में से फाइव माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू ट्वेंटी फाइव, लेकिन माइनस करो। अब ये हमारा एन माइनस वन, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस थ्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू ट्वेंटी फाइव को थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा सेवन सेवन वन थ्री फाइव सेवेंटी फाइव आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारा एन माइनस वन इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव। ये माइनस वन यहाँ पे माइनस का तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया एन इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव में वन एड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेवेंटी सिक्स। तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेवेंटी सिक्स। अब बस हमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। एल वाला इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हर बार हमें लास्ट टर्म गिवन ही है। भले आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ये लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा, बट इससे जल्दी आ जाएगा, ये आसान होगा क्योंकि ये छोटा फॉर्मूला। तो बस एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एस सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू थी माइनस फाइव प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू थर्टी। ये हो गया हमारे पास टू थ्री जा सिक्स थ्री एट जा सिक्सटीन। सेवेंटी सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थर्टी एट इंटू, ये हो गया माइनस फाइव माइनस प्लस माइनस टू थर्टी। ये हो गया थर्टी एट इंटू माइनस माइनस प्लस टू थर्टी में फाइव ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू थर्टी फाइव। अब टू थर्टी फाइव को हमें थर्टी एट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का आठ हजार नौ सौ तीस। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा एट नाइन थ्री जीरो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।